इस वीडियो में हम रैप टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। रैप टेक्स्ट रैप करता है एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट को, जो कि हमने सेल में एक्स्ट्रा लिखा है, उसी सेल में ये टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में एडजस्ट कर देता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे हाउ टू यूज़ रैप टेक्स्ट, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हाउ टू यूज़ रैप टेक्स्ट, ये लिखा। लिखने के बाद ये हमने कहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है हमने हाउ टू यूज़ रैप टेक्स्ट, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किस कॉलम में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमने ए कॉलम और 15 रोज। ये देखो नेम बॉक्स में लिखा हुआ है ए 15, कि ये जो लिखा है ए कॉलम है और 15 रोज है। तो ये जो हमने लिखा ये यहाँ पे एक है, तो ये एक ही सेल, ये जो आगे तक गया है ये एक ही सेल है, ए 15 इसी में सारा है, लेकिन ये आगे जा रहा है, तो इसको हम एक ही सेल में एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। ये देखो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये कुछ नहीं बता रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये बी 15 में नहीं है, ये जितना भी लिखा हुआ है ये ए 15 में है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखो ए 15 ये यहाँ पे बता रहा है कि हाउ टू यूज़ रैप टेक्स्ट, ये जितना भी लिखा हुआ है ए 15 में लिखा हुआ है, ना कि ये बी 15 में लिखा हुआ है। तो इसको ए 15 में सारे को एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट को यहाँ पे तीन मेथड से यूज़ किया जाता है। पहला मेथड यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम इस यहाँ पे जाएंगे रैप टेक्स्ट, तो ये देखो ये रैप होके यहाँ पे आ गया। तो हम टेक्स्ट को एक ही सेल में ये रैप करके ला सकते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड यहाँ पे करेंगे इसको रैप करने का, तो यहाँ पे इसको अंडू करेंगे कंट्रोल जेड, ये अंडू किया। अंडू करने के बाद अब हम रैप टेक्स्ट यहाँ पे दूसरे मेथड से समझेंगे, जैसे यही जो लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ रैप टेक्स्ट, इसको हमने इसी सेल में मल्टीपल लाइंस में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड की हेल्प लेंगे, इसको यहाँ से सपोज करो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, इसको एक और लाइन में तोड़ना है तो इसको हम कीबोर्ड से करेंगे। जब हम कीबोर्ड से एल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो ये हाउ टू यहाँ से ये टूट जाएगा, ये देखो एंटर प्रेस किया ये यहाँ से टूट गया। इसके बाद कहाँ से इसको रैप करना है, जैसे यहाँ से करना है तो यहाँ पे कर्सर रखा, इसके बाद एल्ट एंटर प्रेस करेंगे, ये देखो एल्ट एंटर प्रेस किया, इसके बाद ये देखो ये जितना भी है यहाँ पे रैप होके नीचे यहाँ पे आ गया। इसके बाद थर्ड एक और मेथड है इसको रैप करने का, इसको हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको यहाँ से अंडू करेंगे, ये अंडू किया। अंडू करने के बाद तीसरा जो मेथड है वो है, जैसे यहाँ पे ए 15 पे हमने इसको लिखना है, तो ये हम ये चाहते हैं कि ये हमें रैप ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक ही रैप होता जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ए 15 इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब जो भी हम यहाँ पे ए 15 पे लिखेंगे वो रैप होके इस सेल में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हमने लिखा हाउ टू यूज़ रैप टेक्स्ट, तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही टेक्स्ट जो है रैप होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार भी हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड मेथड हो गया। इसके बाद हम इसको अंडू करेंगे, ये अंडू किया। अंडू करने के बाद इसके बाद अगला ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर को करेंगे। तो यहाँ पे बहुत से सेल दिए गए हैं, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे बहुत से सेल्स को एक ही सेल बनाना है, जैसे ये B1 सेल, ये एक ही सेल यहाँ पे बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हमने DMC, ये लिखा। लिखने के बाद अब ये जो है ये किस सेल में है, ये है B1 सेल, तो ये है हमारा, ये सेकंड पे क्लिक किया, ये C1 सेल है,
इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, ये D1 सेल है, ये अगला E1 सेल है, ये F1 सेल है, ये F1 सेल यहाँ पे बता रहा है। अब जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया और जब हम इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो क्या होगा, ये जितने भी हमारे पास सेल है इनका एक ही सेल बन जाएगा और उस सेल का नाम होगा B1, क्योंकि जहाँ से हम इसको सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं वही सेल का नेम यहाँ पे आता है। और ये जो मर्ज एंड सेंटर है इसका मतलब ये है एक ही सेल बन के और ये जो आएगा ये सेंटर में आएगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया हमने मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज एंड सेंटर फिर क्या हुआ, ये जो है ये एक ही सेल यहाँ पे बन गया और ये जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा था ये लिख के सेंटर में आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद अगर हम इसको अनमर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के मोर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये अनमर्ज यहाँ पे हो जाएगा। ये देखो अनमर्ज हो के यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का सेकंड ऑप्शन है हमारे पास मर्ज एक्रॉस, इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सपोज करो ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेंटर में है, इसका लाइन चेंज करते हैं, इसको राइट साइड करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया ये राइट साइड में हो गया ये। तो जब हम यहाँ पे मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये जो मर्ज होके आएगा ये जो सेल सारे मर्ज होके आएंगे यहाँ पे आएंगे राइट साइड आएंगे। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर के मर्ज एक्रॉस पे जाएंगे। तो मर्ज एक्रॉस पे करने के बाद जो डायरेक्शन यहाँ पे B1 सेल में थी वही डायरेक्शन यहाँ पे मर्ज होके आ गई, ये देखो राइट साइड में ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे अनमर्ज करते हैं, ये अनमर्ज हो गया। अब सपोज करो हम इसको सेंटर में कर देते हैं, ये यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया, ये सेंटर में टेक्स्ट हो गया। अब जब हम इसको मर्ज करेंगे, ये देखो हमने सारा ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे जाएंगे, मर्ज एक्रॉस पे जाएंगे तो ये सेल मर्ज हो जाएगा और साथ में ये सेंटर में आएगा। ये देखो मर्ज एक्रॉस और ये मर्ज हो गया, मर्ज होने के बाद ये जो टेक्स्ट अलाइन है ये सेंटर में आएगी। अब इसको फिर से अनमर्ज कर दिया, अनमर्ज हो गया। अब इसकी अलाइन चेंज करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करते हैं, ये लेफ्ट साइड कर दिया। लेफ्ट साइड करने के बाद जब हम यहाँ पे मर्ज अक्रॉस पे जाएंगे तो ये मर्ज होके लेफ्ट साइड में आएगा, ये देखो मर्ज अक्रॉस, तो ये मर्ज होके लेफ्ट साइड में आएगा। जो अगला ऑप्शन है वो है मर्ज सेल का। मर्ज सेल का मतलब ये होता है कि ये सेल मर्ज होके आ जाएगा लेकिन ये जो मर्ज होके आएगा ये सेंटर में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सेल को मर्ज किया तो ये जो है यहाँ पे सेंटर में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे गए मोर बटन पे और मर्ज सेल यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेंटर में नहीं आएगा, ये लेफ्ट साइड यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे टेक्स्ट को मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं, मर्ज सेल्स ये कर सकते हैं, अनमर्ज सेल ये कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे, DMC को यहाँ पे डिलीट किया। इसके बाद हम श्रिंक टू फिट को करेंगे, तो श्रिंक टू फिट का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को जो कि सेल के बाहर जा रहा है बिना सेल की विड्थ या हाइट को बढ़ाए या घटाए उसी सेल में सारे टेक्स्ट को फिट कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम की विड्थ को यहाँ से कम करेंगे, ये देखो कॉलम की विड्थ को कम किया, कम करने के बाद ये जो नेम है यहाँ से कट हो रहा है और ये जो नीचे नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये भी यहाँ से कट हो रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये नेम जो है ये सारा यहाँ पे आ जाए, नीचे जो दिए गए हैं ये भी आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, किसको किसको हमने श्रिंक टू फिट करना है उनको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे ये सभी हैं इनको सभी को करना है तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करने के बाद यह हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे रैप टेक्स्ट श्रिंक टू फिट।
तो हम ये सेकंड वाले यहाँ पे श्रिंक टू फिट यहाँ पे चेक करेंगे इसको। चेक करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो नेम, ये अब सारा यहाँ पे एडजस्ट होके आ गया। ये देखो नीचे नेम है इनके, ये सभी नेम जो हैं एडजस्ट होके यहाँ पे आ गए। अब हम जैसे इस कॉलम की विड्थ को कम करेंगे, ये जो है ये कटने होगा, इनके साइज़ कम होते जाएंगे। ये देखो यहाँ से हम इसकी कॉलम की विड्थ को कम करेंगे, ये देखो कॉलम की विड्थ को कम किया तो ये इसके साइज़ कम हो रहे हैं, लेकिन ये कट नहीं हो रहा है। ये देखो और कम हो रहे हैं। अगर हम जैसे ही इसको बढ़ाते जाएंगे, फॉन्ट है ये बड़े होते जा रहे हैं। ये देखो फॉन्ट और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं फॉन्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को श्रिंक टू फिट कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे दिया गया है ये जो है हम इसको साइज़ को कम करेंगे। जैसे इसका साइज़ हमने कम किया, कम करने के बाद ये जो है इसमें बन जाएगा हैश में। तो ये अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। दूसरे मेथड से हमने श्रिंक टू फिट ओपन करना है तो इसी के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद यहाँ पे श्रिंक टू फिट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये सारा श्रिंक टू फिट होके आ गया ये। अब जैसे जैसे हम इसकी हाइट को यहाँ से बढ़ाएंगे, ये इसका फॉन्ट बढ़ता जाएगा। ये देखो फॉन्ट साइज़ इसका बढ़ रहा है ये। तो इस तरह से हम श्रिंक टू फिट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर एंड श्रिंक टू फिट के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।